धनबाद से करीब 35 किलोमीटर दूर तुमचांची प्रखंड के खरियो पंचायत सुदूर गांव को सरकार द्वारा नगर निगम बनाने की घोषणा से ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। शनिवार को सैकड़ों महिला एवं पुरुष ग्रामीणों ने गांव के समाज सेवी तारकेश्वर कुम्हार के नेतृत्व में खरियो फाटक से जुलूस निकाला, जो बरवाडी गाँव के शनि मंदिर तक गया। वहाँ जाकर जुलूस सभा में तब्दील हो गया, जहां ग्रामीणों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए गांव को शहर बनाने का भारी विरोध किया। इस दौरान तारकेश्वर कुम्हार ने कहा कि सरकार में बैठे लोगों का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है, जो ऐसे सुदूर गांव को नगर निगम में शामिल कर रहे हैं। इस गांव में अधिकतर गरीब किसान मजदूर रहते हैं, जिन्हें नगर निगम के बारे में पता भी नहीं है। नगर निगम बन जाने से ग्रामीणों को भारी दिक्कत होगी। होल्डिंग टैक्स, पानी टैक्स, बढ़ती बिजली का रेट, मकान बनाने का नक्शा, मकान बनाने टैक्स आदि जैसी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो ग्रामीण कभी सुने नहीं हैं। यहाँ के ग्रामीण गरीब तो लाल कार्ड का राशन और सस्ती बिजली बिल से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हम सभी गांव वाले खरिया पंचायत गांव को नगर निगम में शामिल करने का विरोध करते हैं। बेहतर होगा सरकार अपना निर्णय वापस ले, नहीं तो हम सभी गाँव वाले सड़क से सदन तक ये लड़ाई लड़ेंगे। खरियो पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सूर्य प्रकाश ने कहा कि खरियो पंचायत गांव को नगर निगम में घोषणा से ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं। पहले सरकार गांव को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करे, फिर आगे की कोई बात करे। आजादी के 70 साल बाद भी लोग पानी खरीदकर पी रहे हैं, यह सरकार की एक सोच को दर्शाता है। हमें गांधी जी के सपनों का भारत बनाना है, जहाँ हर गाँव आत्मनिर्भर हो सके। सरकार चले हैं खरियो जैसे पिछड़े गांव को नगर निगम बनाने, जबकि यह हकीकत है कि पास के खरियो रेलवे स्टेशन पर आज भी मात्र एक BNR पैसेंजर ट्रेन का इस स्टेशन पर ठहराव है। इस ओर सरकार का ध्यान क्यों नहीं जाता है? हम लोग गांव को नगर निगम बनने का विरोध करते हैं। खरियो पंचायत गांव मुखिया सुनीता देवी ने कहा कि हमारे गांव की कुल आबादी 6000 की है, जो किसान मजदूर हैं। आखिर ये लोग सरकार को कैसे टैक्स दे पाएंगे? इन लोगों ने तो कभी टैक्स का नाम भी नहीं सुना है। ग्रामीण काफी भयभीत हैं, ये मजाक नहीं तो और क्या है। वैसे भी आबादी के हिसाब से भी यह गांव शहरी क्षेत्र घोषित के लायक नहीं है। हम सभी ग्रामीण इस गाँव को नगर निगम किसी भी हाल में बनने नहीं देंगे। खरियो गांव निवासी धर्मेंद्र बाबा ने झारखंड सरकार से अनुरोध किया कि गांव को गांव ही रहने दिया जाए तो बेहतर है। नगर निगम और शहरी चकाचौंध का भार ये ग्रामीण उठा नहीं पाएंगे। बता दें कि दो दिन पूर्व ही खरियो गांव से मात्र 3 किलोमीटर दूर रामाकुंडा गांव में भी सैकड़ों ग्रामीणों ने रामाकुंडा गांव को नगर निगम में शामिल करने का गाँव के मुखिया परशुराम महतो के नेतृत्व में भारी विरोध किया था। यही कहना है कि अभी हमारी आबादी मात्र 6000 के लगभग है। अच्छा। जो कि अभी शहरी क्षेत्र घोषित करने के लायक नहीं है। यहाँ ज़्यादातर लोग किसान हैं, मजदूर हैं, जो अपना रोजी रोटी किसी तरह मेहनत मजदूरी करके कमा खा रहे हैं। अगर शहर घोषित हो जाएगा तो सरकार, ये लोग कैसे टैक्स देंगे सरकार को? अच्छा, तो आप लोग क्या चाहते हैं? इसलिए हम लोग विरोध करना चाहते हैं। हम अपने पंचायत को नगर निगम घोषित मानने के लिए तैयार नहीं है, ना यहाँ की कोई जनता मानने के लिए तैयार है। और अगली कार्रवाई आप लोग इसका विरोध? हाँ, विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुनीता देवी है, मैं खरियो पंचायत की मुखिया। गाँव चाहिए, हम लोग गरीब आदमी है, इसी तरह खेती बाड़ी करके अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। हम लोग को गाँव ही चाहिए। मैं झारखंड सरकार और राज्य सरकार को मैं निवेदन करता हूँ। अपना परिचय दे दीजिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता धर्मेंद्र बाबा। क्षेत्र पड़ता है ग्रामीण, यहाँ अधिकतर किसान खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन कर रहा है, नरेगा में मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहा है, तो हम लोग शहरी क्षेत्र में कैसे आ गए? ये सरकार का ये बयान वापस लेना पड़ेगा, अन्यथा हम लोग जोर शोर जो है आंदोलन पर उतरेंगे। आज का क्या कार्यक्रम है? आज का हम लोग सभी ग्रामीण मिल के इसके सरकार की विरोध में हम लोग आज आवाज उठाए हैं। आगे क्या चाहते हैं आप लोग, क्या मांगे? हम लोग का मांग को वापस लिया जाए। हम लोग गांव में हैं और गांव में ही रहना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आगे क्या? ऐसा नहीं होगा तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। आपका नाम क्या? तारकेश्वर कुमार।